मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर नगर का पथ संचलन शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकाला गया। आयोजन में बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया है। नगर पथ संचलन का जगह जगह पर स्वागत किया गया। खरगोन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नगर का पथ संचलन रविवार को 10 बजे एक निजी स्कूल से शुरू हुआ, जो बावड़ी बस स्टैंड, जमींदार मोहल्ला, झंडा चौक से होते हुए पत्थर दलाल मोहल्ला, माता चौक होकर पहाड़सिंहपुरा में संचलन निकाला गया। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सेविका समिति और मोहन टॉकीज पर मुस्लिम समाज के डॉक्टर आरिफ खान के नेतृत्व में भी स्वागत किया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ऐसा ही किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो आज शारीरिक क्षेत्र में देखेंगे कई प्रकार खेल के माध्यम से हमारे देश ने नाम रोशन करा है। नमस्ते नमस्ते सब लोगों ने देखा होगा, अभी बाढ़ भूकंप आया तो कौन से राजनीतिक दल के लोग, कौन से प्रशासन के लोग, कौन से संगठन के लोग जो समाज हित की बात करते, जो हमको उस मैदान पर मिले। लेकिन समाज ने बोला हमारे हर समय मुसीबत के समय संघ के कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े। सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, आज सरकार को भी बोलना पड़ रहा है कि हमारा अभियान चलाओ। लोगों में कई प्रकार की जो समाज की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए हमारा सहयोग करो, नहीं तो लोग बोलते थे संघ वालों से दूर रहना। संघ वाले राजनीति करते हैं तो लोगों को, समाज को भी समझ में आने लग गया कि लोग जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। हमारा गाँव किस प्रकार से उन्नतशील हो, विकासशील हो, स्वावलंबन बने, इसके लिए ग्राम विकास के बड़े बड़े कार्यक्रम के माध्यम से वापस लगा देना मेरी के।
खैर वही सर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।